नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर में। कृषि कानून को लेकर अकाली दल ने किया प्रदर्शन, हरियाणा से दिल्ली आने वाले रास्ते हो गए बंद। कृषि कानून पारित होने के एक साल के पूरे होने के मौके पर अकाली दल की ओर से आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अकाली दल के प्रदर्शन को देखते हुए ही हरियाणा से दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने झाड़ोदा बॉर्डर बंद कर दिया है। मेट्रो में भी संदिग्ध व्यक्तियों का प्रवेश रोक दिया गया है। वहीं हरियाणा से दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शन के चलते राजधानी की सीमाएं बंद होने से जाम लग गया है और आम लोगों को सीमा पार करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने बहादुरगढ़ के झाड़ोदा बॉर्डर पर बैरिगेटिंग की है। इसके अलावा निजामपुर बॉर्डर, सिद्धिपुर गांव समेत अन्य सभी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पंजाब से ही अकाली दल ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था और हरियाणा से होते हुए दिल्ली में आने की कोशिश की थी। अकाली दल के समर्थकों ने कई जगह पर बैरिगेटिंग को हटाने की भी कोशिश की है। अकाली दल ने कृषि कानून के पास होने का एक साल पूरा होने पर काला दिवस मनाने का ऐलान किया था। बता दें कि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और अन्य सभी नेता भी इस वक्त दिल्ली में ही हैं। तो देखते हैं कि ये प्रदर्शन कब तक चलेगा। आप सभी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।